नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय पांडे है और मेरे चैनल एक्वाफिल्टर आरओ प्लांट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप वाटर कैंपर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि 20 लीटर वाले वाटर कैंपर आते हैं, जो कि पार्टीज में, शादी बारातों में, दुकानों पे, होटल्स में सप्लाई किया जाता है, तो उसको अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिक आपका कितना खर्चा आता है, मशीनरी में और साथ में एक्सेसरीज में आपके क्या क्या खर्चे आते हैं। ये आप लोगों के मन में सवाल रहता है कि मैं पानी का बिजनेस स्टार्ट करने तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा खर्चा कितना आएगा, इसमें मेरी बचत कितनी आएगी। तो मैं आपको इसमें एक एक करके सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा। अगर कोई जानकारी छूट जाती है तो कृपया करके आप कमेंट करें। मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी आप मेरा नंबर देख सकते हैं। ठीक है सर, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको प्रबंध करनी है, कैसी परमिशन चाहिए, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं मशीन की कॉस्ट की बात करता हूँ। तो आरओ प्लांट और चिलर लगा करके आपका जो लोएस्ट है वो 2,20,000 रुपए में आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 1-2 टन का चिलर मिलेगा। 2 टन चिलर और आरओ प्लांट आपको मिला करके 2.25 लाख रुपए लग जाएगा। जो चिलर होगा ये फुल ऑटोमेटिक ऑनलाइन चिलर होगा, वो वाला चिलर नहीं होगा जिसमें कॉइल बिछाते हैं, क्योंकि उसमें टंकी को सफाई करने में काफी प्रॉब्लम आती है, तो हम ऑनलाइन चिलर के साथ में प्लांट देते हैं। और प्लांट आपका ऑटोमेटिक होगा, आपका 1,000 लीटर का प्लांट होगा और आपका 2 टन का चिलर हो गया, इसमें आपका 2.25 लाख लग गया। इसके अलावा आप स्टार्टिंग में 100 कैंपर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। 100 कैंपर अगर आपने खरीदे तो 50,000 रुपए आप मान लीजिए, राउंड फिगर में 400, 500, 450 के आसपास एक कैंपर आता है, क्वालिटी वाइज वेरी करता है। इसके अलावा आपका आगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको कम से कम 4 किलोवाट का पावर कंजप्शन चाहिए, सिंगल फेज इसमें लगता है आपको। इसके अलावा एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी में आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप नई भी ले सकते हैं, सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं। अगर आप नई लेंगे तो लाख लाख 1.5 लाख रुपए लगा करके आप फाइनेंस करा सकते हैं, और सेकेंड हैंड आपको लगभग 2 लाख के आसपास पड़ेगी, वो भी डिपेंड करता है कि किस मॉडल की गाड़ी है, कैसी कंडीशन है आपकी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपकी बात आ जाती है लाइसेंसिंग की। तो लाइसेंसिंग में आपको खुले वाटर में कोई लाइसेंस कंपलसरी नहीं होता है, आपको फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से FSI लेना होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आप खुला वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन उसको आप अप्लाई करके फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट लाइसेंस को आप बना सकते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये इसमें खर्चा आता है। आप चाहें तो साइबर कैफे में भी लोग बनाते हैं, और कई कंसल्टेंसी हैं जो बनाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका 2.25 लाख रुपए मशीन का हो गया, 50,000 कैंपर का हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो राउंड फिगर में 2 लाख उसका भी मान लीजिए, और इसके अलावा आपका खर्चा लगेगा कैंपर में। अगर आप कैंपर आगे चल के आपका बिजनेस बढ़ा तो आपको कैंपर बढ़ाने पड़ेंगे, तो आप चाहें तो शुरू में ही 100 कैंपर के बजाय 200 कैंपर ले लें, तो आपका इस हिसाब से 80,000 से 1 लाख रुपए का कैंपर हो गया। इसके अलावा आपका पावर सप्लाई में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कमर्शियल कनेक्शन होता है, तो उसमें आपका जो भी लगे, मेरा आइडिया है कि 10,000 के आसपास उसमें भी आपका लग जाएगा। अब आपसे हम बात करें एरिया की, कि एरिया कितना लेता है, तो आप ये मान लीजिए कि 20 बाई 20 का कमरा होगा, तो उसमें आपकी मशीनें भी रख जाएंगी और आपके कैंपर एम्पर भी आराम से उसमें रख जाएंगे। अब इसके अलावा आपकी बात आती है कि आप इसमें अर्निंग कितनी कर लेते हैं, तो मैं आपको सबसे लोएस्ट प्राइस बताऊं, 20 से 25 रुपए का एक कैंपर जाता है। एक कैंपर अगर आपका 20 से 25 जा रहा है, अगर आप पर डे 200 कैंपर भी सप्लाई करते हैं, तो आपका पर डे 5,000 रुपए का सेल हो गया। 200 कैंपर बहुत ज्यादा नहीं होता, एक गाड़ी इजिली 200 जार आराम से सप्लाई कर लेती है। और देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, आप घनी बस्ती पकड़े हुए हैं तो आपका सब आसपास ही सप्लाई हो गया, या तो आपको 5-10 किलोमीटर आगे भी जाना पड़ सकता है सप्लाई करने के लिए। लेकिन आप ये मान लीजिए कि अगर आप 5,000 का माल बेच रहे हैं, आप चाहे जितने खर्चे काट दें, आपका 3,000 रुपये बचत कहीं नहीं गया, यानी कि आप 1 लाख रुपये मंथली बहुत आराम से कमा सकते हैं, जो कि आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं। अब आपके एक्सपेंस की बात करें तो आपको इसमें 1-2 लेबर चाहिए। अगर आपके मतलब कि हैवी ड्यूटी लेबर है, मतलब जो मजबूत है, जो कि काम करने बहुत सक्रिय रहते हैं, तो आपका 1 लेबर भी कर लेगा, लेकिन 2 लेबर रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 लेबर आपका गाड़ी पे चलेगा, 1 लेबर आपका जार वगैरह भरेगा, साफ सफाई देखेगा, काफी काम होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ किया करेगा। तो आशा करता हूँ कि सारी जानकारी मैंने आपको दे ही दी है। फिर से मैं एक बार कैलकुलेट करवा दूँ, 50,000 आपका जार का हो गया, 10,000 रुपये आपका लगभग बिजली का हो गया, 2.25 लाख रुपए आपका ये हो गया, तो आप इसको पूरा पूरा 3 लाख रुपए इसमें मान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी आड़ी मिला करके आपका 5 लाख रुपए मोटा मोटा आराम से लग जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है सर। आपके पास स्पेस अलग से मैंने उसको नहीं जोड़ा है, स्पेस आपके पास 200 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए।
छत पड़ा होना कंपलसरी नहीं है, टीन शेड डाल के अगर आप स्टार्ट करेंगे तो भी चलता है, क्योंकि आगे चल के आप जैसे जैसे चाहेंगे वैसे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब आपको आगे चल के बिजनेस बढ़ाना हो तो आप एरिया बढ़ा भी लेंगे, गाड़ियां बढ़ाएंगे, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी मार्केट बन गई। तो ये बेसिक जानकारी थी जो कि हर आदमी चाहता है कि मुझे वाटर प्लांट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे ये जानकारी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कहीं पर भी मेरी दी हुई जानकारी में कहीं भी गलती दिखे तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। और अगर आपको प्लांट खरीदना है और आपको वाटर पाउच पैकिंग खरीदना है, चिलर मशीन खरीदना है, तो मेरे पास सारी मशीनें उपलब्ध है, वाटर बॉटल फिलिंग मशीन, वाटर के सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लगाते हैं। आप वीडियो में पीछे देख सकते हैं मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये वाला जो स्टील का रखा हुआ है ये हमारा है 2000 लीटर का, और इधर एक आधा लैपटॉप के पीछे आ रहा है वो 1000 लीटर का प्लांट हमारे पास रेडी रखा हुआ है। हमारे पास रेगुलर स्टॉक में प्लांट्स और पाउच मशीन्स और चिलर्स परमानेंट रहते हैं। आपको कभी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी चाहिए आप हमसे कॉन्टेक्ट करें और हमारी मशीनें परचेज करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट्स हैं, प्रोडक्ट लिंक भी पड़ी हुई है, मोबाइल नंबर पड़ा है, व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, ऑफिस एड्रेस पड़ा है। मेरा ऑफिस लखनऊ यूपी में है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप ऑफिस आ सकते हैं, एनी टाइम विजिट कर सकते हैं। सुबह आप हमारे पास आ सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हमारा ऑफिस परमानेंट ओपन रहता है। हमारी सर्विस ऑल इंडिया है, कहीं पर भी आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर।